दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में देखिए, दूसरे राज्य में फंसे लोगों के अकाउंट में भेजे गए 1,000 रुपए, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना बिहार। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे 1,03,589 लोगों के खाते में आज 10,35,89,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने माउस क्लिक कर योजना का किया शुभारंभ किया और अब तक के 2,84,674 आवेदन मिले थे और आवेदन देने वालों का क्रम जारी है। जांच के बाद बाकी लाभुकों के खाते में जल्द ही ट्रांसफर करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री सचिवालय और बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर और आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के नियंत्रण कक्ष के फोन पर बाहर फंसे लोगों द्वारा सूचनाएं दी गई थी। और अब अगली खबर बता दें कि पीएम समेत सभी सांसदों के वेतन में होगी 30% की कटौती। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी अपने वेतन में कटौती की सिफारिश दी है। जी हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस से लड़ाई को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों और बाकी सभी सांसदों की सैलरी में कटौती का फैसला किया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अध्यादेश के जरिए सभी सांसदों के वेतन में 1 साल तक 30% कटौती का प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मोहर लगते ही फैसला अमल में आ गया है और सूत्रों के मुताबिक ये कटौती सांसदों के मूल वेतन में की जाएगी जो प्रति महीने 1,00,000 रुपए होता है। इसके अलावा सांसदों को भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें वही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अलावा सभी राज्यों के राज्यपालों ने भी अपने वेतन में 30% कटौती करने की सिफारिश की है। सरकार ने इन सिफारिशों को भी मानने का फैसला किया है। दरअसल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन सांसद द्वारा पारित एक अलग अलग कानूनों से निर्धारित होता है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पेट्रोल और डीजल बिक्री में भारी गिरावट, एलपीजी सिलेंडर की मांग बढ़ी। जी हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन के बीच मार्च में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भारी कमी आई है और इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 17.6% और डीजल की बिक्री में 26% की गिरावट दर्ज की गई है। विमान ईंधन ATF की बिक्री में 31.6% कम हुई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सड़कों पर वाहनों के आवागमन पर तो रोक है ही और विमानों की उड़ानें भी बंद हैं। केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही उनकी अनुमति दी जा रही है और पेट्रोलियम उद्योग के अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले मार्च महीने के मुकाबले इस साल मार्च में पेट्रोल की बिक्री 17.6% घटकर 19.43 लाख टन हो गई है और वहीं डीजल की बिक्री 25.6% घटकर 39.82 लाख टन रह गई है। इसी प्रकार विमान ईंधन की बिक्री भी घटकर 4.63 लाख टन रह गई है और इस दौरान केवल एलपीजी सिलेंडर की मांग में ही वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च माह के दौरान एलपीजी की बिक्री एक साल पहले इसी माह के मुकाबले 1.9% बढ़कर 22.86 लाख टन हो गई है और सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ये अस्थायी आंकड़े हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चाइनीज वायरस का असर, मुकेश अंबानी की संपत्ति 28% गिरकर हुई $48 अरब। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि बाजारों में उथल पथल के बीच देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति में 2 महीने के दौरान 28% कमी आई है। आपको बता दें कि चाइनीज वायरस महामारी और उससे जुड़ी पाबंदियों की वजह से शेयर बाजारों में गिरावट के रुख के चलते 31 मार्च को अंबानी की संपत्ति का मूल्य $48 अरब रहा और परामर्श फर्म हुरून की वैश्विक
अमीरों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फरवरी मार्च में बाजार भाव से उनकी संपत्ति में $19 अरब गिर गई है। आपको बता दें कि सूची में शामिल अन्य भारतीयों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के संपत्ति में $6 अरब या 37% की गिरावट दर्ज की गई है और HCL टेक्नोलॉजीज के प्रमुख शिव नाडर की संपत्ति $5 अरब या 26% और कोटक बैंक के उदय कोटक की $4 अरब या 28% संपत्ति कम हुई है। और अब बता दें कि शरद पवार ने पूछा, दिल्ली में निजामुद्दीन धार्मिक कार्यक्रम के लिए इजाजत किसने दी। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को पूछा कि नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति किसने दी थी। ये कार्यक्रम देश में चाइनीज वायरस के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने फेसबुक पर लोगों को साथ लाइव संवाद में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले यहां इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। शरद पवार ने कहा कि इससे पहले महाराष्ट्र में दो बड़ी सभाएं, एक मुंबई के पास और दूसरी सोलापुर जिले में प्रस्तावित थी। उन्होंने कहा कि मुंबई के पास वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति पहले ही नहीं दी गई, जबकि पुलिस ने राज्य की ओर से जारी परामर्श का उल्लंघन करने के लिए सोलापुर कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आपको बता दें, NCP प्रमुख ने पूछा कि अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐसे फैसले ले सकते हैं तो दिल्ली में इसी तरह के कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार क्यों नहीं किया गया और किसने इसके लिए मंजूरी दी। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रघुराम राजन ने कहा कि सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर में भारत सरकार को जानकारों विपक्ष से मदद लेनी चाहिए। जी हम बात करें कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने चाइनीज वायरस के कारण उपस्थित चुनौतियों के मद्देनजर कहा है कि देश आर्थिक लिहाज से आजादी के बाद के सबसे बड़े आपातकालीन दौर में है। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे निकलने के लिए विपक्षी दलों समेत विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। राजन ने हालिया समय में संभवतः भारत की सबसे बड़ी चुनौती शीर्षक से एक ब्लॉग पोस्ट में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये आर्थिक लिहाज से संभवतः आजादी के बाद की सबसे बड़ी आपात स्थिति है। 2008 और 9 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान मांग में भारी कमी आई थी, लेकिन जब हमारे कामगार काम कर जा रहे थे, हमारी कंपनियां सालों की ठोस वृद्धि के कारण मजबूत थी, हमारी वित्तीय प्रणाली बेहतर स्थिति में थी और सरकार के वित्तीय संसाधन भी अच्छे हालात में थे। पर अब बता दें कि चाइनीज वायरस के बाद अब मौसम भी करेगा परेशान। दिल्ली में पारा जा सकता है 40 के पार। जी आपको बता दें कि बीते सर्दियों में दिल्ली का तापमान शिमला से भी कम हो गया था। जिस तरह दिल्ली ने सर्दी में सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, उसी तरह इस बार गर्मी में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। और अभी अप्रैल का पहला सप्ताह बीतने को है और तेज धूप ने दिल्ली NCR में दस्तक दे दी है। माना जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर दिल्ली NCR का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा और संभव है अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाए। 20 अप्रैल तक पारा पहुंच सकता है 40 डिग्री के पार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा, लेकिन गर्मी का दौर जारी रहेगा। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को डोनेट की बड़ी रकम और केजरीवाल ने कहा थैंक्स। जी हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए देने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर को धन्यवाद कहा और ट्विटर पर केजरीवाल ने भाजपा सांसद से कहा कि समस्या पैसे की नहीं बल्कि PPE किट की उपलब्धता की है। CM केजरीवाल ने गौतम गंभीर से कहा कि अगर आप PPE किट तुरंत कहीं से लाने से सरकार की मदद करते हैं तो हम आभारी रहेंगे, दिल्ली सरकार उन्हें खरीद लेगी। इससे पहले भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को अपने सांसद निधि यानी के MPLATS के तहत दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। भाजपा सांसद ने ये रुपए दिल्ली सरकार को चाइनीज वायरस के लड़ने के लिए मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए दिए हैं और इससे पहले वे अभी हाल ही में दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए दे चुके हैं और अब तक गौतम गंभीर चाइनीज वायरस के खिलाफ जंग में 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दे चुके हैं।
और अब बता दें कि जमात पर आ रही खबरें, रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद लगाए ये आरोप। जी आपको बता दें कि तबलीगी जमात प्रकरण में जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसने वहां पर मीडिया के एक वर्ग पर तबलीगी जमात के खिलाफ घृणास्पद खबरें प्रकाशित करने और दिखाने का आरोप लगाया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी दलील में कहा है कि इससे सांप्रदायिक कट्टरता बढ़ रही है। अर्जी में जमीयत ने इस तरह की खबरों पर तत्काल रोक लगाने के शीर्ष न्यायालय से मांग की है और संस्था ने ये बात दिल्ली के निजामुद्दीन में मार्च में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर मीडिया में आ रही खबरों की बाबत कही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए श्रद्धालुओं ने बचाव की पर्याप्त कोशिश नहीं की थी, जिसके कारण देश में चाइनीज वायरस का प्रकोप बढ़ा। वकील एजाज मकबूल के जरिए दायर अर्जी में कहा गया है कि मीडिया में आ रही खबरों की वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर घृणा का वातावरण बन रहा है। तमाम फर्जी वीडियो, फोटो और खबरें जनता के बीच लाई जा रही है, इन्हें काल रोका जाए। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। महंगा हुआ सोना, एक हफ्ते में 1060 रुपए बड़े दाम, जानिए क्या है वजह। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में तेजी का दौर जारी है। पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमत में बढ़ोतरी का दौर जारी है। सोना लगातार महंगा होता जा रहा है और 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच सोने की कीमत की बात करें तो कीमत में 1060 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 1 अप्रैल को 24 कैरेट सोने की कीमत जहां 43,210 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, वहीं 6 अप्रैल को सोना बढ़कर 44,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि महावीर जयंती की वजह से दिल्ली में सराफा बाजार सोमवार को बंद रहा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।